बच्चों, आपने अभी उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में सुना। चलिए हम भी उत्तल लेंस और अवतल लेंस लेकर एक क्रियाकलाप करते हैं, जिसमें हम यह देखेंगे कि जब प्रकाश की किरणें इन लेंसों पर आपतित होती हैं तो अपवर्तन के पश्चात वो किस प्रकार गमन करती हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे उत्तल लेंस और उसके बाद हम इसी क्रियाकलाप को करेंगे अवतल लेंस के साथ। देखिए बच्चों, चलिए हमने यहाँ पर ये एक उत्तल लेंस लिया है और अब देखिए सबसे पहले मैं उसमें एक प्रकाश की किरण आपतित कर रही हूँ। ये देखिए ये लेंस के केंद्र से होकर गुजर रहा है और ये बिल्कुल सीधा जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये अपवर्तन के पश्चात भी बिल्कुल सीधी दिखाई दे रही है, तो हम इसे मुख्य अक्ष कह सकते हैं। और अब हम इस मुख्य अक्ष के समानांतर कुछ प्रकाश की किरणें जो हैं वो लेंस पर आपतित करते हैं, ये देखिए। और अब आप क्या देख रहे हैं कि अपवर्तन के पश्चात ये क्या दिखाई दे रहा है, लेंस के दूसरी ओर देखिए ये जो अनंत से आती हुई आपतित किरणें हैं ये अपवर्तन के पश्चात आपको मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, ये अभिसरित हो रही हैं। तो जिस बिंदु पर लेंस के अपवर्तन के पश्चात आपको जिस बिंदु पर अपवर्तित किरणें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं यही इसका फोकस बिंदु है। देखो अब हमने ले लिया है अवतल लेंस। अब हम देखिए सबसे पहले ये प्रकाश की किरण इस पर आपतित की और ये जो किरण है वो देखिए अपवर्तन के पश्चात इसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि ये क्या है, ये इस लेंस का मुख्य अक्ष है। और अब इस मुख्य अक्ष के समानांतर हम फिर से आपतित किरणें डाल रहे हैं लेंस पर। ये हो गया, ये हमने मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें आपतित की हैं और लेंस के दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि अपवर्तन के पश्चात ये किरणें क्या हो गई, देखिए ये हो गई हैं अपसरित, यानी कि ये एक दूसरे से दूर हट रही हैं। और साथ ही बच्चों देखिए ये जो दो अपवर्तित किरणें हैं इनके पीछे यदि लेंस के इस तरफ आप देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये दोनों अपवर्तित किरणें जो हैं पीछे एक बिंदु पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर ये मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो इस बिंदु से ही ये दो किरणें जो हैं वो अपसरित हो रही हैं, यही बिंदु जो है वो अवतल लेंस का मुख्य फोकस होता है। तो देखा बच्चों आपने, हमने जब उत्तल लेंस लिया तो अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर थी वह जब इस पर आपतित हुई तो अपवर्तन के पश्चात हमें लेंस के दूसरी ओर मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर वह अभिसरित होती हुई दिखाई दी, यानी कि वो उस बिंदु पर मिल रही थी, वही बिंदु जो है वो उत्तल लेंस का फोकस बिंदु है। और अब हम यदि बात करें अवतल लेंस की, तो जब अवतल लेंस पर अनंत से आती हुई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के जो समानांतर थी वह आपतित हुई तो अपवर्तन के पश्चात वो अपसरित हो गई, यानी वो एक दूसरे से दूर दिखाई दी हमें। परंतु जब दूर जाने वाली जो अपवर्तित किरणें हैं उनको लेंस के इस तरफ हमने देखा तो वो किसी एक बिंदु पर जो मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती हुई दिखाई दे रही थी, वह बिंदु जो है वो अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है।